सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका आपकी यूट्यूब चैनल बिस्टन बॉय में। मैं हूँ आपका होस्ट शारुल और आप देख रहे हो बिस्टन बॉय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग यार, उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। एंड गाइस फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोग का स्वागत है। एंड गाइस मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, पुराना मतलब बहुत 3 साल पहले का वीडियो डाला था और आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एंड आज फिर से मैं कुछ ऐसा ही वीडियो लेके आ चुका हूँ। ये लगभग 4 साल पुराना मेरा लाइव स्ट्रीम है एंड वहीं से मैं क्लिप मतलब कट करके लाया हूँ एंड आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे क्या क्या था। तो यहाँ पे देख सकते हो सीजन 2 का इलाइट पास और यहाँ पे हमारा फीफा वर्ल्ड कप का फर्स्ट जो इवेंट था, जहाँ पे आपको फीफा वर्ल्ड कप का बैनर और बाकी शूज, स्पोर्ट्स जो मतलब शू है वो सब मिल रहे थे। तो यहाँ पे काफी कुछ है, मैं आपको दिखा दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दो, आप हमारे चैनल पे नए होते यार सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। एंड मैं आपको ऐसा एक आइलैंड दिखाने वाला हूँ बरमूडा मैप के अंदर, जो आज के टाइम पे नहीं है एंड 4 साल पहले वो मैप मतलब वो आइलैंड था, अभी रिमूव कर दिया गया है और वहाँ पे कुछ और आइलैंड बना दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ही कुछ पुराने चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड देख सकते हो तभी का लॉबी कैसा है, मतलब इतना मस्त लॉबी था ना, मतलब तभी मतलब इतना लोग ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं रहते थे। एंड मतलब जो हमारा लीडर बोर्ड था ना, मतलब लीडर बोर्ड नहीं था तभी। एंड सबसे बढ़िया बात क्या है पता है, आप वहाँ पे ग्लूवल नहीं था, मतलब 2017 से जब स्टार्ट हुआ गेम तब ग्लूवल नहीं था। एंड यहाँ पे देख सकते हो फुटबॉल का सबसे बड़ा ट्रॉफी यहाँ पे रखा हुआ है, जो मतलब जब भी कोई मतलब ट्रॉफी में मतलब ये करता है, टच करता है तो वो बॉल बन जाता है, ठीक है, और गोल करता है तो उसका नाम आता है, कुछ इस तरह है। एंड यहाँ पे देख सकते हो मैप, ठीक है। तो ये मैप देखो, यहाँ पे जो हैंगर का हैंगर के साइड में जो आगे है जहाँ पे हमारा क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर के इस साइड में देख सकते हो ये जगह पूरा खाली है, ठीक है। पहले यहाँ पे मतलब कुछ नहीं था, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी के टाइम में तो क्लॉक टावर के साइड में यहाँ पे कुछ और मतलब एक जगह बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्लॉक टावर के इस साइड में क्लॉक टावर नहीं है, ठीक है, 4 साल पहले की बात है। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है, आपको ग्लूवल नहीं थे, मतलब ग्लूवल उस टाइम पे ग्लूवल नहीं था, ग्लूवल का कोई मतलब जानता भी नहीं था कि ग्लूवल कोई मतलब ऐसा कुछ चीज़ है गेम के अंदर, ठीक है। अभी तो रिसेंटली आया है, अगर बात करें तो 2 साल हुआ है ग्लूवल आने का, मतलब हमारा गेम के अंदर जो ग्लूवल आया है ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल हुआ होगा, बट तभी के टाइम पे ग्लूवल नहीं थे। एंड कैरेक्टर का मूवमेंट देख सकते हो तो काफ़ी अजीब था, एंड गन उठाना या तो जो एनिमेशन है करेक्टर का काफ़ी अलग था अभी के टाइम से। एंड 4 साल पुराना गेम प्ले समझ सकते हो, और तभी मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था 4 साल पहले की, मतलब लाइव स्ट्रीम है, ये आवाज़ नहीं सुना सकता, बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ है एंड मेरा भी बहुत सारा आवाज़, मतलब तभी माइक यूज़ नहीं करता था इसलिए। एंड यहाँ पे देख सकते हो हैंगर कितना बड़ा रनवे है, यहाँ पे मतलब फ्लाइट का रनवे है पूरा हैंगर का। अगर देखोगे मैप में तो पूरा जो फ्लाइट है ना वहाँ पे जो अभी क्रैश होकर रखा हुआ है फ्लाइट, वो पूरा रनवे है यहाँ का। अभी तो क्लॉक टावर बना दिया एंड बहुत कुछ चेंजेस कर दिया, लेकिन तभी ऐसा नहीं था, बहुत कुछ चेंजेस कर दिया गया है। एंड यहाँ पे देख सकते हो MP40 चार साल पहले भी आ चुका था, ठीक है, MP40, लेकिन तभी इतना लोग यूज़ नहीं करते थे एंड इतना लोगों का मतलब इतना ध्यान नहीं था। एंड ये सीजन 2 का है, सीजन 2 में जब मैं ये कर रहा था लाइव स्ट्रीम कर रहा था तभी का ये वीडियो है। एंड ये जगह देख सकते हो, ये काफ़ी अलग है, मतलब अभी के टाइम मतलब मिस करता हूँ यार बहुत, क्योंकि 4 साल पहले गेम खेला था एंड अभी बहुत कुछ चेंजेस हो चुके हैं एंड गेम धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और भी ऑडियंस इसमें आ रहे हैं और भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स आ रहे हैं एंड काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहा है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको एक नया आइलैंड दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये आइलैंड, आप मेरे को गेस करके बताना ये कौन सा आइलैंड है, ठीक है। अभी ये आइलैंड नहीं है, अगर आप ये आइलैंड देख रहे हो तो बस एक छोटा सा आइलैंड है एंड यहाँ पे पानी के बीच में, ये पानी के साइड से है। अगर आप इस आइलैंड में आओगे तो आपको लूट मिलेगा, अगर आप सोलो खेल रहे हो और अगर आप सर्वाइविंग करना चाहते हो तो इस आइलैंड में अगर आप आओगे तो आपका लूट हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये कौन सा आइलैंड है, अगर आपका अभी के टाइम बात करूँ तो ये कौन सा आइलैंड है, मेरे जरूर कमेंट करना। एंड यहाँ पे आइलैंड जो है ये मस्त आइलैंड है, यहाँ पे कोई नहीं आता, मतलब अगर एक बंदा दो बंदा आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब लेकिन ज़्यादा बंदे नहीं आते यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं अक्सर जाया करता हूँ क्योंकि यहाँ पे लूट भी अच्छे खासा मिल जाता है, अगर आप सोलो खेल रहे हो और यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपका लूट हो जाएगा, ठीक है, आप सर्वाइविंग कर सकते हो इस लूट से, मतलब इतना लूट मिल जाता है इस जगह पे। एंड ये आइलैंड अभी नहीं है, ठीक है, मैं आइलैंड का नाम नहीं बता रहा हूँ, आपको मतलब गेस करना है कि ये कौन सा आइलैंड है एंड ये आइलैंड का नाम क्या है, मतलब अभी ये आइलैंड कहाँ है एंड इस आइलैंड के ऊपर कौन सा आइलैंड आ गया है, मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। देखते हैं कितने लोग कितने पुराने टाइम से खेल रहे हैं उनका पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्रॉसबो, यहाँ पे क्रॉसबो देख सकते हो, ये जो क्रॉसबो है पहले हमारा क्रॉसबो सेकेंडरी गन पे था, ठीक है, अभी हैंड गन पे है, लेकिन पहले जब फर्स्ट टाइम क्रॉसबो आया था क्रॉसबो सेकेंडरी गन में था। और दूसरी बात क्या है पता है,
क्रोसबो अभी ब्लास्ट होता है, लेकिन 2-4 साल पहले क्रोसबो ब्लास्ट नहीं होता था। यहाँ पे देख सकते हो जो क्रोसबो है वो सेकेंडरी गन पे आता है, ठीक है, हैंड गन में नहीं आता। लेकिन अगर आप अभी अभी के टाइम पे देखोगे तो क्रोसबो जो है वो आ रहा है हैंड गन में। मतलब अगर आप सेकेंडरी गन भी यूज़ कर सकते हो, साथ में क्रॉसबो भी यूज़ कर सकते हो हैंड गन में, ठीक है। तो और हैंड गन का सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप टोटल 3 गन, एक मतलब एक अच्छा 3 गन यूज़ कर सकते हो। लाइक आपका 2-2 AK हो गया और क्रॉसबो भी हो गया। तो अभी के टाइम में क्या हो रहा है, क्रॉसबो मतलब ब्लास्ट हो रहा है। अगर आप किसी एनिमी को हिट करते हो तो वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है एंड डैमेज देता, मतलब डैमेज कंटिन्यू देता रहता है, ठीक है। लेकिन 4 साल पहले ऐसा नहीं था। 4 साल पहले अगर आप 1 की गोली मारोगे तो वो 40 का डैमेज देता है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, क्रॉसबो की कैसा मतलब काम करता था 4 साल पहले। मैं आपको फायर करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं आसमान में फायर करूंगा अभी, तो ये फटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि तभी मतलब नॉर्मल था। आप गोली करोगे तो ये क्रॉसबो फटता नहीं था। अभी यहाँ पे भी जमीन पे भी मार के दिखा देता हूँ। अभी के टाइम में तो क्रॉसबो फटता है, लेकिन मतलब ब्लास्ट होता है। और यहाँ पे देख सकते हो तभी क्रॉसबो ब्लास्ट नहीं होता, सिंपल बस फायर करो और मतलब जैसे एयर एमो जाता है जो बाकी गन यूज करते हैं वैसा ही है। एंड अगर आपने क्रॉसबो से आज से 4 साल पहले क्रॉसबो से अगर आपने हेडशॉट मारा और 3 लेवल का भी हेलमेट हो तो ये क्रॉसबो सीधा हेडशॉट ये हेलमेट भी तोड़ देता है और आपको हेडशॉट मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोफाइल। तो यहाँ पे देख सकते हो योर जर्नी में आपका आईडी दिखता होगा 2-4 साल पहले। एंड यहाँ पे राइट साइड में जो भी देख सकते हो यहाँ पे पूरा आपका हिस्ट्री है कि आपने कितना गेम खेला, आपने किसके साथ कितना मतलब क्या क्या गन यूज किए, कितना आपका हेडशॉट रेट है, केडी रेट, सब ऐसे दिखता था, ठीक है। एंड कौन से गन आपसे ज्यादा यूज करते थे, कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता था आज से 4 साल पहले। एंड यहाँ पे लॉबी बहुत ही मस्त था। लॉबी की बात करो तो काफी अच्छा लॉबी था एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा यार, 4 साल पहले का चीज़ आज आपको फिर से दिखा रहा हूँ। तो यार एक लाइक ज़रूर बनता है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियो और डालूँ तो मैं ज़रूर और ट्राई करूँगा और डालने के लिए। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में नया कुछ टॉपिक लेके। आई विल सी यू नेक्स्ट वन, टेक केयर, गुड बाय।